गांव की एक लड़की की सच्ची कहानी। बिहार के छोटे से गांव में मध्यम वर्गीय परिवार में राधिका का जन्म हुआ था। गांव में कुछ ऐसा माहौल था कि लड़की का जन्म होने पर लोग खुशी नहीं होते थे, परंतु राधिका भले ही मध्यम वर्गीय परिवार से हो, लेकिन उसके माता पिता गांव के सबसे अमीर इंसान थे, जिस कारण लड़की होने पर गाँव में मिठाई बंटवाई। परंतु गांव वाले इससे खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी लड़कियों के प्रति सोच अलग थी। धीरे धीरे राधिका बड़ी होती गई। कक्षा 5 तक गांव के बगल में प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद उसके माता पिता राधिका को पढ़ाने के लिए शहर में लेकर चले गए, जहां पर राधिका का एडमिशन बड़े स्कूल में करवाया। राधिका नए स्कूल का माहौल देखकर काफ़ी खुश हुई और अपने पापा को स्कूल के बारे में बताई। राधिका अपनी कक्षा में लगातार अव्वल आती गई, जिससे माता पिता बहुत खुश होते थे। राधिका के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। वह एक स्कूल के लड़के से प्रेम करने लगी थी, जिसके चलते उसकी पढ़ाई प्रभावित होती थी। परंतु उसके माता पिता को ज़रा भी भनक नहीं थी। राधिका का स्कूल में परफॉर्मेंस लगातार गिर रहा था। टीचर को समझ में नहीं आ रहा था आखिर राधिका इस तरह कैसे कर सकती है। टीचर राधिका के हाव भाव पर नज़र रखने लगे। तभी एक दिन राधिका स्कूल के कैंपस में अपने प्रेमी के संग पकड़ा गई। राधिका के प्रेमी ने गुलाब का फूल दिया। टीचर राधिका को स्कूल के प्रिंसिपल के पास ले गए। स्कूल के प्रिंसिपल राधिका की इस हरकत से दुखी हो गए और बोले कि राधिका, तुम अपनी कक्षा के सबसे होनहार छात्रा हो और लगातार तुम्हारा रिजल्ट खराब आ रहा है, जिससे बोर्ड में तुम्हें दिक्कत होगी। और अगर तुम्हारे हरकत के बारे में पेरेंट्स को पता चला तो बहुत नाराज़ होंगे। यह तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। अगली बार गलती की तो तुम्हारे माता पिता को इन्फॉर्म किया जाएगा। राधिका प्रिंसिपल की बात से दुखी हो गई और अपना उदास चेहरा लेकर घर गई। माता पिता ने उदास चेहरा का कारण पूछा तो बताया कि स्कूल में उसके फ्रेंड से थोड़ी बहस हो गई थी। इसके बाद उसके माता पिता पूछे कि और कोई परेशानी नहीं है ना? राधिका बोले, नहीं मम्मा। उसके बाद अगले दिन स्कूल पहुँची और उसके सभी मित्र को प्यार वाला मैटर पता चल गया था। कई स्टूडेंट्स राधिका का मजाक उड़ाने लगे थे, जिससे राधिका परेशान हो गई और जो उसका प्रेमी था क्लास में घुस गया। राधिका का प्रेमी राधिका से एक क्लास सीनियर था और सभी छात्र उससे डरते थे। जिन जिन छात्राओं ने राधिका का मजाक उड़ाया, सभी की धुलाई कर दी। उसके बाद टीचर आए और इस हरकत से नाराज होकर राधिका के प्रेमी को स्कूल से निष्कासित कर दिया। अगले दिन राधिका हमेशा की तरह फिर से स्कूल में पढ़ने आती है, लेकिन इस बार कोई भी स्टूडेंट्स राधिका का मजाक नहीं उड़ाया। फिर से राधिका पढ़ाई में मन लगाई, हालांकि इस बार पिछली बार की अपेक्षा अच्छा मार्क्स था। राधिका के स्कूल में फाइनल एग्ज़ाम का दिन आ गया। उसने एक एक करके सभी परीक्षा अच्छे से दी। फिर से राधिका अपने कक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त की। राधिका अपने माता पिता के साथ कुछ दिनों के लिए मुंबई शहर घूमने गई। उसने मुंबई में फिल्मी सितारों को देखा और उसके पीछे बॉडीगार्ड और लोग एक सेल्फी के लिए मारा मारी कर रहे थे। सब देखकर राधिका का मन भी एक्ट्रेस बनने का हो गया। उसने अपने माता पिता से पूछा कि पापा, लोग एक्टर एक्ट्रेस कैसे बनते हैं? उसके माता पिता ने जवाब दिया कि इसके लिए एक्टिंग और डांसिंग आनी चाहिए, तभी लोग फिल्मी दुनिया में प्रवेश कर पाते हैं। उसने फिर से माता पिता से पूछा कि पापा, मैं भी एक्ट्रेस बन सकती हूँ? तो उसके माता पिता ने कहा, हाँ क्यों नहीं, परंतु तुम्हें 12th तक पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया जाएगा। राधिका बहुत प्रसन्न हुई। राधिका के स्कूल के कुछ दिनों की छुट्टी थी, जिस कारण उसे मुंबई से अपने शहर लौटना पड़ा। परंतु मुंबई की यादें दिन भर राधिका के दिमाग में घूमती रही। राधिका अब 10th कक्षा में चली गई और फिर से पढ़ाई में मन लगाने लगी। परंतु उसके माता पिता आपस में वार्तालाप कर रहे थे, राधिका इतनी पढ़ने में होशियार है और वह फिल्मी दुनिया में जाना चाहती है,
हम तो सोचे थे कि बड़ा होकर डॉक्टर बनेगी। राधिका का 10वीं कक्षा में पहला दिन था। टीचर लोग करियर के बारे में सलाह देते हैं और खूब पढ़ाई में मन लगाने के लिए कहते हैं। इसके बाद राधिका स्कूल से घर आती है और उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि राधिका बेटा, क्या सचमुच में तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो या कुछ और? राधिका बोली, पापा मुझे एक्ट्रेस ही बनना है। उसके बाद राधिका रूम में चली जाती है और सो जाती है। कुछ दिनों बाद राधिका के स्कूल की गर्मी की छुट्टी होती है और वह अपने पापा को कहीं घूमने ले जाने के लिए बोलती है। तभी राधिका की मौसी का फ़ोन आता है और राधिका की मम्मी कॉल उठाती है। उसकी मौसी उसकी मम्मी से बोलती है, सोच रही हूँ गर्मी की छुट्टियों में जाने के लिए, आप क्या कहती हैं? राधिका की मम्मी कहती है, हाँ मैं भी सोच रही हूँ। उसके बाद उसकी मौसी कहती है, मुंबई कैसा रहेगा? राधिका की मम्मी बोलती है, मुंबई तो हाल ही में गए थे, गोवा या कश्मीर चलते हैं। परंतु किसी प्रकार राधिका की मौसी उसकी मम्मी को कन्विंस कर लेती है। अगले दिन सभी लोग मुंबई जाते हैं। मुंबई पहुंचने के बाद राधिका बहुत खुश हो जाती है। एयरपोर्ट पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहुंचे थे। राधिका उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और अपने पापा से बोली, पापा मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तब उनके पापा कहते हैं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड मिलने नहीं देंगे, तुम दूर से ही देख लो। इस बार राधिका मुंबई में बड़े बड़े सेलिब्रिटी के घर देखती है और बड़े पसंद से पाव भाजी खाती है। राधिका अपने फैमिली के साथ मुंबई घूमने के बाद वापस घर रवाना होती है। फिर धीरे धीरे राधिका 10th के बाद 12th का एग्ज़ाम दे दी और अपने करियर के बारे में सोच रही थी। राधिका अपने स्कूल में टॉपर रही, जिसके बाद फादर का भी भरोसा था शायद राधिका का मन बदल गया होगा। परंतु राधिका एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसी बीच राधिका के जीवन में एक और टर्निंग पॉइंट आया, उसके पिता का देहांत हो गया। राधिका बहुत दुखी में थी। राधिका बड़ी कन्फ्यूजन में थी कि डॉक्टर की पढ़ाई करूं या एक्ट्रेस, उसे समझ में नहीं आ रहा था। परंतु राधिका को अपने पापा की बात याद आई। एक बार उसके पापा ने राधिका को बताया कि जीवन में कुछ भी बनना, लेकिन अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ना, चाहे तुम खूब अमीर क्यों ना बन जाओ। इसके बाद राधिका अकेले मुंबई में चली जाती है और एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाती है। परंतु कुछ महीने पढ़ाई के बाद राधिका के पास इंस्टीट्यूट में फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि उसके पापा ने कई जगह जो बिजनेस किया था वह लोन पर किया था, जिस कारण घर को भी बेचना पड़ा था। माँ किसी प्रकार गुजारा करती थी, परंतु इतने पैसे बचे नहीं थे कि राधिका को पढ़ा सके। राधिका इंस्टीट्यूट को छोड़कर मुंबई के एक होटल के पास बैठी रो रही थी। रोते रोते ऐसी हालत हो गई कि पूरा मुंह फूल गया था। बगल में कई लोग उसे समझा रहे थे, परंतु राधिका किसी की बातों को समझ नहीं रही थी और एक प्लान बना लिया कि अब जीवन को जीना नहीं है, जब पैसे नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी। उसी पल माँ की याद आई और फिर सोचा कि अगर मैं मर जाऊँगी तो माँ को कौन देखेगा। राधिका ने वहीं पर अपने मोबाइल में रील्स बनाना चालू कर दिया। राधिका सोशल मीडिया पर छाने लगी। उसके बाद राधिका को कई जगह ऑडिशन के लिए बुलाया गया, परंतु हर जगह रिजेक्शन मिलता और अंत में बोला जाता कि पैसा दोगे तो काम हो जाएगा। परंतु राधिका के पास पैसे नहीं थे। राधिका फिर से एक जगह ऑडिशन दिया और वहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद राधिका को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका सपना सच हो रहा है। राधिका जिस फिल्म में एक्टिंग की थी वह फिल्म सुपरहिट हुई। उसके बाद राधिका को दूसरी फिल्म ऑफर हुआ और उस फिल्म में मेन रोल का ऑफर दिया गया। राधिका भले इस अवसर को कैसे ठुकराते, राधिका को नर्वस भी हो रहा था, कैसे वह मेन रोल में एक्टिंग करेगी। हालांकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने राधिका को मोटिवेट किया और राधिका ने ज़बरदस्त एक्टिंग की, जिससे डायरेक्टर खुश हो गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि आने वाले समय में राधिका फिल्म जगत की सुपरस्टार होगी। उसके बाद यह फिल्म रिलीज होती है और बॉक्स ऑफिस में धमाका होता है। सभी जगह राधिका राधिका के गूंज उठी और राधिका एक
सेलिब्रिटी बन गई और इस तरह राधिका अपनी मंजिल को पा लेती है। दोस्तों, गांव की एक लड़की की सच्ची कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें। धन्यवाद।